हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पहाड़ी तड़का एक्सप्रेस में स्वागत है। ये आप देख सकते हैं गौर सिटी, ये आज हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। ये आप देख सकते हैं पवन पहाड़ी जी भी आए थे यहाँ पर, जो यूट्यूब में काफ़ी फेमस है। और ये अब आगे इनका मॉल आएगा। गौर वालों ने तो पूरा मॉल लाइफ बसा रखा। ये देखो जरा बिल्डिंग है, कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग है गौर वालों की, ये आप देख सकते हैं। अब आगे इसका मतलब मॉल आएगा, गौर सिटी मॉल। ये देखो जरा रश, देखो जरा यहाँ पर लग रहा है ग्रेटर नोएडा होगा। रश देखो, संडे है पर फिर भी कितना रश है। ये मिस्टर हरीश नेगी ये ड्राइव कर रहे हैं, और ये मिस्टर आहान नेगी आजकल ये पीछे बैठ रहे हैं, और पीछे लेट लेट के मज़े लेटे लेट के जा रहे हैं। ये मेरा है आज का लुक। आज मैं एकदम सीधी सादी सूट वाली लड़की बनी हूँ, बिंदे लिपस्टिक, एकदम सिंपल सी साधारण टाइप की लड़की। ये देखो जरा गौर सिटी देख रहे हो, आई लव गौर सिटी। आए हाय ट्रैफिक देखो ना, मतलब संडे है पर फिर भी इतना ट्रैफिक। सच में यार लग रहा है ग्रेटर नोएडा होगा। गाइस तो यहाँ आप घर भी ले सकते हैं। अब ग्रेटर नोएडा जैसा नहीं रहा है, जो जैसे पहले जैसे होता था ना कि एकदम जंगल सा। ये देखो जरा कितना रश है, तो इजीली यहाँ पर कोई भी घर ले सकता है। पब्लिक देखो ना, सारी दिल्ली की पब्लिक, नोएडा की पब्लिक, गुड़गांव की पब्लिक सब यहीं आ रही है घर लेने, क्योंकि ये अभी डेवलप हुआ है इसी वजह से, और थोड़ा सा यहाँ शांति है दिल्ली के कंपेरेटिव। ये आप देख सकते हैं गौर सिटी मॉल आ चुका है। गौर सिटी मॉल भी काफ़ी अच्छा है, कभी हम आएंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको अंदर से दिखाएंगे कि अंदर से कैसा है। बहुत बड़ा है ये मॉल भी, यहाँ भी संडे के दिन बिल्कुल मेला लगा रहता है, क्योंकि जो जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो वो सब यहाँ पर आ जाते हैं अपना संडे स्पेंड करने। आप देख सकते हैं, आगे ब्लॉग में बने रहिए, हम आगे भी आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट करते रहेंगे। गाइज आज हम जा रहे हैं आहान के संदीप अंकल, मिसेस प्रिया के यहाँ, जो कि हमारी फैमिली फ्रेंड है। ये आप देख सकते हैं उनकी उस सोसाइटी में पहुंच चुके हैं। लगता है आज संडे है, तो संडे के दिन यहाँ पर काफ़ी लोग आ रखे हैं, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग हमें बिल्कुल नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से हरीश को गाड़ी की पार्किंग मिली, हमने गाड़ी पार्क कर दी है। गाइज आज हमने सोचा क्यों ना आहान को थोड़ा मतलब गेम खिलाया जाए, तो आहान यहाँ पर खूब एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा पार्क था, तो आहान ने यहाँ पर खूब खेला। क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, या फिर हम नाइट में आते हैं या फिर लंच टाइम में आते हैं, तो लंच टाइम में क्या होता है धूप होती है, आहान खेल नहीं पाता है। तो आज हमने सोचा चलो थोड़ा टाइम है तो आहान को चला झूले झुलाया जाए। ये आप देख सकते हैं आहान ने खूब इंजॉय किया। हरीश भी आहान के साथ खूब इंजॉय करता है, क्योंकि इनके पास एक ही दिन होता है संडे, जो कि ये आहान के साथ स्पेंड करते हैं। क्योंकि मैं तो डेली रहती हूँ आहान के साथ, तो इसलिए ये एक दिन रहते हैं, बट ये पूरा इंजॉय करते हैं पूरे 6 के 6 दिन। वसु myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. आहान और हरीश की मस्ती बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि हरीश हमेशा बोलता है आहान को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन लौट आया है। अब फाइनली हम उनके घर गए, यहाँ पर हमने खूब मस्ती मारी, यहाँ पर हरीश ने गिटार बजाया और आहान डांस कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। गाइज हमने यहाँ पर मूंग दाल के पकोड़े खाए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे, मतलब मज़ा आ गया, और भी ग्रीन चटनी के साथ आए हाय, मतलब बहुत ही अच्छा। और ये आप देख सकते हैं हरीश को भी बहुत अच्छा लगा, और हरीश की टी शर्ट और हरीश का कप मैच हो रहा था, हम लोग बार बार हरीश को चिढ़ा रहे थे। आज आप कहाँ पर आए हो मिस्टर आहान? संदीप भैया, संदीप भैया के घर। कहाँ है नक्शी मच्छर? नक्शी चले, अब अंकल को बाय तो कर दो। असीमा दीदी को, असीमा दीदी को, नक्शी सीमा दीदी को, तो चलो बाय कर दो, ठीक है।
गाइस यहाँ पर आहान ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती मारी, इनका सामान भी इधर से उधर करा है आप देख सकते हैं। बट मतलब इसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा था घर जाने का, क्योंकि ये संदीप भैया से बहुत ही प्यार करता है और ये इनसे जब भी मिलता है तो उसका मन बिल्कुल नहीं होता है उन्हें छोड़ने का या मतलब उनके घर से जाने का। आहान ना लगा हुआ था कुछ ना कुछ मस्ती, कभी AC पे लगा हुआ था, कभी लाइट पे लगा हुआ था, कभी स्विच बोर्ड पे लगा, कुछ ना कुछ छेड़ता रहता है। हम लोग इसे मना भी करते हैं कि आहान मत छेड़ो, बट ये सुनता कहाँ है, आपको लगता है बच्चे सुनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत।